हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपीटेट और रिजेक्टेड पेपर टू के लिए सामान्य विज्ञान का सेट वन, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थायी रखती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आवट ग्रंथि या फिर जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण होता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फाइब्रिन के कारण। किसके कारण? फाइब्रिन के कारण। रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से। एस्पिरिन की मदद से। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। विटामिन के। हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? चेवन वाल्व के द्वारा। चेवन वाल्व के कारण। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एंड्रीनलिन। एंड्रीनलिन हार्मोन। आयोडीन नमक लाभकारी होता है। जो आयोडीन युक्त नमक होता है लाभकारी होता है थायराइड या फिर अवट ग्रंथि के काम के लिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर या फिर अमाशय, यकृत या फिर जिगर या फिर अग्नाशय। तो यहाँ पे जठर या फिर अमाशय जो है कोई ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है? थायराइड, पिट्यूटरी, अंडाशय, एडिनाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय केवल स्त्री में पाई जाती है। मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोस्टेट स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में। किसमें? तंत्रिका में। डार्विन पिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। किसके लिए? पक्षियों के लिए। वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसमें मिला होता है रंगीन अपद्रव्य। रंगीन अपद्रव्य। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो यह होता है रंजित पटल कोराइड के द्वारा। रंजित पटल कोराइड के द्वारा। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। तंत्रिका आवेग में। वर्णांध व्यक्ति जो होते हैं वह कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाते। कौन कौन से रंगों के भेद? लाल और हरा रंग। लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाते जो व्यक्ति वर्णांध होते हैं।
ईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की। किसकी? मस्तिष्क की। मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होंगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? रक्तपटल में। रक्तपटल में। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेरुरज्जु के द्वारा। मेरुरज्जु के द्वारा। वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? लाल और हरे में। लाल और हरा रंग में। रुधिर का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। कहाँ पे? फेफड़ों में। श्वसन कैसी प्रक्रिया होती है? श्वसन होती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। कौन? नीली व्हेल। तो हमारे जो 30 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।